देखेंगे तो 70-80 व्यू तो आ जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज द प्रोसेस हीट एंड बाय प्रोडक्ट पावर साइकिल। सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोसेस हीट एंड द बाय प्रोडक्ट पावर साइकिल इज दैट कि हम लोग जब स्टीम टरबाइन का यूज करते हैं तो स्टीम टरबाइन और बॉयलर के यूज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वहां से सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां से बैक प्रेशर टरबाइन या फिर टरबाइन को यूज करके उससे वर्कडन यूज कर लेते हैं। बट इसका यूज हम लोग अलग अलग जगह पे भी कर सकते हैं, लाइक जो भी हमारे पास हीट जनरेट होकर आ रही है उस हीट का यूज हम लोग छोटी छोटी इंडस्ट्री लाइक पेपर मिल हो गया हमारे पास में, शुगर इंडस्ट्री हो गई, जहां पर क्या होता है शुगर इंडस्ट्री के अंदर शुगर कैन जो होता है, शुगर यूज होता है, उसको हम लोग क्या करना होता है, उसको बर्न करना होता है। सिमिलरली पेपर इंडस्ट्री में पेपर को हमको बर्न करना होता है, पेपर और उसके लिए जो वेपराइजेशन क्रिएट करनी होती है उसके हमके लिए क्या चाहिए होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रोसेस हीट एंड बाय प्रोडक्ट साइकिल के अंदर हम लोग यही काम करते हैं कि जितने भी हमारे पास में प्रोसेस जनरेट हो रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे हीट को अलग से। ठीक है, मतलब टर्बाइन का यूज करके हम लोगों ने वहां पर वर्क डन तो ऑफ करा ही करा, साथ में जो हीट निकल के आ रही है उसको हम लोग दूसरे प्रोसेस हीटर के पास में भेजकर उसका यूज कर लेते हैं। लाइक इट इज मेंशन्ड इस हियर कि काफी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं लाइक पेपर मिल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री, जिसको प्रोसेस हीट की रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ द सैचुरेटेड स्टीम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर हीटिंग एंड ड्राइंग। ठीक है, हीट करने के लिए और ड्राई करने के लिए। तो स्टीम इज फाउंड containment for many such applications since isothermal conditions can be maintained, heating on one side while the steam is condensing on the other side. To separate units for this cause is increasing cost and fuel cost. कि हम लोग सोचे कि हमारे लिए electricity generate करने के लिए तो हमने एक नई चीज एक turbine लगा ली और इस by product cycle के लिए हम लोगों ने दूसरी चीज use कर ली, but ये जब छोटी छोटी industry ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के अंदर इनके ऊपर क्या होता है, इसकी कॉस्टिंग इंक्रीज होती है। एज अ गुड इंजीनियर हम लोग चाहते हैं हमेशा कि है ना कॉस्ट कम आए हमारे पास में और आउटपुट हमको ज्यादा मिले। तो हम क्या करते हैं, कुछ इस टाइप के साइकिल्स को एग्जिस्ट करते हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोसेस हीटर को यूज कर लेते हैं। मतलब जो रैंकाइन साइकिल है हमारा, जो हमारा रैंकाइन साइकिल है, इस रैंकाइन साइकिल में हम लोग कंडेंसर को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पे किसका यूज कर लेते हैं, प्रोसेस हीटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, वी आर रिप्लेसिंग द कंडेंसर एट एंड अप्लाई द प्रोसेस हीटर देयर। ये प्रोसेस हीटर क्या करता है, देखो यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी दिखा रखा है। हम लोग जनरली क्या करते थे, जब रैंकाइन साइकिल यूज करते थे हमारे पास में एक बॉयलर होता था, इस बॉयलर से हीट निकाल के हम लोग भेजते थे टर्बाइन के अंदर, टर्बाइन से हम लोग कहाँ भेज देते थे, इसको कंडेंसर के अंदर जहाँ हीट रिजेक्शन होती थी, फिर पंप लगाया, पंप लगा के वापस से बॉयलर के अंदर भेज दिया। ये क्या था हमारे पास में, रैंकाइन साइकिल था। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इस रैंकाइन साइकिल को प्रोसेस बाय प्रोसेस साइकिल या बाय प्रोडक्ट साइकिल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमारे पास में कंडेंसर है, इस कंडेंसर को रिप्लेस कर दिया हमने, इस कंडेंसर को हटा दिया और इस कंडेंसर की जगह हम लोगों ने किसका यूज कर लिया है, प्रोसेस हीटर का यूज कर लिया है। दिस प्रोसेस हीटर कैन बी वर्किंग लाइक अ हीट एक्सचेंजर आल्सो। ये किसके जैसे ही वर्क कर सकता है, एक हीट एक्सचेंजर की जैसे ही वर्क कर सकता है, जो कि स्टीम से निकलने वाली या फिर टर्बाइन से निकलने वाली स्टीम की एनर्जी को यूज करेगा और वो क्या देगा, हमारे दूसरे साइकिल के अंदर प्रोवाइड करवा देगा। ओके, सो बेसिकली द प्रेशर ऑफ द एग्जॉस्ट स्टीम इज कैप इक्वल टू द सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ डिजायर स्टीम। और जो हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है ये वाली QL, इसका भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग किसी यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमने डबल वर्कडन ऑफ कर लिया है। डबल वर्कडन ऑफ करने का मतलब क्या हो गया, एक वर्कडन हम लोगों ने ऑफ करा कहाँ पर, टर्बाइन के अंदर, जो हमारा मेजर वर्क था। ठीक है, और अभी भी हमारे पास स्टीम के अंदर इतनी एनर्जी अवेलेबल है कि हम क्या करते हैं, उस एनर्जी का यूज किसके अंदर कर लेते हैं, इस प्रोसेस हीटर के अंदर कर देते हैं। ठीक है, देखो कैसे समझ सकते हैं इसको, आगे समझो। देखो यहां पर हमारे पास में क्या है, ये TS डायग्राम शुरू हो रखा है, इस TS डायग्राम को समझे। ठीक है, इस TM डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि ये हमारे सैचुरेशन लाइन को शो कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने हीट का एडिशन करवाया है,
बट ये जो वर्कडन हमको अप हो रहा था, ये वर्कडन जो है ये कहाँ पर मिल रहा है? टर्बाइन के अंदर। जैसे तुमको मैंने हमेशा बताया कि कॉन्स्टेंट एंट्रोपी लाइन किसको बताती है? वर्कडन बाय टर्बाइन को बताती है। तो ये वर्कडन बाय टर्बाइन बता दिया कि ये क्या आ गया हमारे पास, वर्कडन बाय टर्बाइन। जो हीट का लॉस हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रही है कंडेंसर के अंदर, तो ये हीट कहीं काम नहीं आई थी, बट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हीट हमारे पास किसमें काम में आ रही है। ये वाली हीट वर्क आ रही है हमारे किसके अंदर, बाय द इन सम यूजफुल वर्क यूजिंग प्रोसेस हीटर। ठीक है, यूजिंग द प्रोसेस हीटर वी आर यूजिंग दिस सेम काइंड ऑफ द एनर्जी। सो हम लोग कह सकते हैं, अगर ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें तो एक ओवरऑल एफिशिएंसी है ना, किसमें यूज की जा रही है? वर्क डन बाय टर्बाइन प्लस क्यूएल। क्यूएल क्या बता रहा है? हीट लॉस इन द प्रोसेस हीटर को बता रहा है। तो यहाँ पर हम लोग किसको यूज कर रहे हैं? इस एफिशिएंसी को यूज कर रहे हैं और इसके ऊपर क्यूएच के साथ में वर्किंग कर रहे हैं। क्यूएच इज रेफर टू द हीट सप्लाइड। अगर हमारे पास कोई भी लॉसेज हम लोग कंसिडर नहीं करें कि हमारे पास किसी भी टाइप के कोई लॉसेज जनरेट हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर हमारे पास में WT मतलब वर्क डन बाय टर्बाइन, QL हीट लॉस इन द प्रोसेसिंग वर्क, ये किसके इक्वल होता है? हीट सप्लाइड के इक्वल होता है। और उस केस के अंदर हमारे पास जो एफिशिएंसी होती है अप्रोक्सीमेट 100 चली जाती है। और इन जनरल अगर एक्चुअल पावर प्लांट्स के बारे में बात करें तो ये एफिशिएंसी है ना 80% तक हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑप्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन माइंड के अंदर आया होगा कि सर जब हम लोग 80% तक एनर्जी ऑफ कर पा रहे हैं या फिर एफिशिएंसी ऑफ कर पा रहे हैं, तो हम इन्हीं साइकिल का यूज क्यों नहीं करते? सीधा रैंकिन साइकिल के साथ में इस साइकिल का यूज कर लें। हम लोग बोल रहे हैं क्यों इतने सारे साइकिल पड़े, रीजनरेटिव पड़े, रीहीटिंग पड़े, रीजनरेटिव रीहीटिंग पड़े। एनीवन कोई आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का? कोई आंसर देना चाहेगा क्वेश्चन का? बता। इज माय क्वेश्चन इज क्लियर? अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन किया कि वी आर opting the 80% efficiency using the process heat cycle, ठीक है? But हम लोग जब बात कर रहे थे Rankine के बारे में, हम लोगों ने जब बात करी regenerative के बारे में, हम लोगों ने numerical से भी निकाला था कि हमारे पास जो values आ रही थी वो काफी कम आ रही थी। It is near about 35%, 38%, maximum जाके हम लोग 46-47% तक पहुंच रहे थे। पर यहाँ पर mentioned है बड़ा इजी कि 80% efficiency opt की जा रही है। So why we are not using this cycle as a practical cycle in our हीट जनरेशन और यू डूइंग द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि एफिशिएंसी तो हमको अच्छी मिली रही है यहाँ पर। क्यों हम लोगों ने ना रीजनरेटिव साइकिल के बारे में स्टडी करी, क्यों हम लोगों ने ना रीजनरेटिव रीहीटिंग साइकिल को यूज किया, क्यों हमने रीहीट साइकिल यूज करा, वाटर रीजनरेटिव वाटर एक्सट्रैक्शन साइकिल को यूज कर रहे थे, एनी रीजन बिहाइंड दिस? एनीवन बच्चे कोई भी मन के अंदर किसी के आ रहा है तो बताएं। द रीजन ऐसे शांति से बैठ जाते हो, द रीजन बिहाइंड दिस कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये जो साइकिल वहां यूज करते हैं जहां पर पावर आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहती, सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट हो कि एक जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके, ठीक है? और बाकी साइकिल्स हम लोग वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर हमको लार्ज अमाउंट के अंदर क्या चाहिए होती है, पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? उसके साथ में हम इस साइकिल को यूज नहीं कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज अ बेसिकली बाय प्रोडक्ट साइकिल। अब इसका यूज करते हुए हमारे पास में कुछ टर्बाइन्स होती हैं जो कि इस प्रेशर्स के ऊपर वर्किंग करती हैं। इसके अंदर सबसे पहली जो टर्बाइन है हमारी वो है बैक प्रेशर टर्बाइन। सो हाउ द बैक प्रेशर टर्बाइन वर्क्स, इस बैक प्रेशर टर्बाइन के अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने हाई प्रेशर स्टीम कहाँ पर भेजी, हमारी टर्बाइन के अंदर भेजी, ठीक है? टर्बाइन से हम लोगों ने क्या करा, कुछ पावर आउटपुट ऑप्ट करा
और इस स्टीम को फिर कहाँ पर भेज दिया, इससे पूरा एग्जॉस्ट करने के बाद में लो प्रेशर स्टीम को हमने कहाँ भेजा, प्रोसेस वर्क के लिए प्रोवाइड करवा दिया कि यहाँ से आप क्या जनरेट कर सकते हैं, प्रोसेस वर्क ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब जो नॉन कंडेंसिंग स्टीम टर्बाइन है उसका यूज हम लोग कहाँ पर कर रहे हैं, पहले सबसे पहले कहाँ क्या टर्बाइन के अंदर यूज किया, जहाँ पर हमारी ब्लेड रोटेट हुई है, ठीक है, ब्लेड रोटेट होकर हमारे पास क्या हुआ, वर्क ऑप्शन हो गया। फिर जो एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग स्टीम भेजने वाले थे, उस स्टीम को हम लोगों ने कहाँ भेज दिया है, उसको हम लोगों ने भेजा कहाँ पर, हमारे प्रोसेस वर्क के लिए। जिस वजह से इस टाइप की टर्बाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक प्रेशर टर्बाइन बोलते हैं। और इस बैक प्रेशर टर्बाइन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री, जैसे हम अभी बात कर रहे थे पेपर मिल के बारे में, जूट मिल के बारे में, वहां पर हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट वन इज द कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, काफी सिंपल होती है। अगर कंपेयर किया जाए अदर एक्सट्रैक्शन स्टीम टर्बाइन के थ्रू, तो उनके कंपैरिजन में ये क्या होती है, इन एक्सपेंसिव होती है। इसको वेरी लेस अमाउंट क्या चाहिए, कूलिंग वाटर की चाहिए। बिकॉज क्यों हमको लेस अमाउंट चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर कंडेंसेशन जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम इसका यूज कहाँ कर रहे हैं, प्रोसेस हीट के अंदर इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, थोड़ी सी हायर होती है, बिकॉज इट डज नॉट रिजेक्ट द हीट इन द कंडेंसेशन प्रोसेस, एज शो जो हमने किसमें बताया था इससे पहले, टीएस डायग्राम के अंदर इसको शो किया था। बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि ये इनफ्लेक्सिबल है, मतलब हमको लोड के साथ में वेरिएशन लेके आना हो तो वो लोड के साथ में वेरिएशन इसके अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे इसमें मेंशन भी कर रखा है, थर्मल लोड ऑफ दिस टर्बाइन डिफाइंस द फ्लो ऑफ द स्टीम मास व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट टू चेंज द आउटपुट वैल्यू, अदर मेथड्स टू रेगुलेट द आउटपुट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम, ठीक है, जो हमारा पूरा सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है। सेकेंड टर्बाइन आती है हमारी पास आउट टर्बाइन। पास आउट टर्बाइन क्या होता है कि जैसे एक वर्ड क्लियर करें अपन पास आउट को, तो पास आउट टर्बाइन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेट हो रही है, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, बीच टर्बाइन में से क्या करते हैं, पास आउट कर देते हैं। जैसे डायग्राम के अंदर दिखा रहा है, वापस से समझ सकते हो उसको, कि ये हमारे पास में टर्बाइन थी, हमारे पास स्टीम आई, हम लोग लास्ट में जाके क्या करते हैं, इसको कंडेंसर, बट एट द हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, एट हाई एंथैल्पी बीच में से स्टीम को बाहर निकालते हैं और इसको कहाँ भेज देते हैं, किसी प्रोसेस हीट साइकिल के लिए भेज देते हैं। इसी को कहाँ भेज देते हैं, इसको प्रोसेस हीट साइकिल के लिए भेज देते हैं। तो इस टाइप की टर्बाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पास आउट टर्बाइन बोलते हैं, ठीक है। ये पास आउट टर्बाइन, इसमें से हमने क्या कर दिया, स्टीम को पास कर दिया। एज मेंशन हियर द एक्सट्रैक्शन टर्बाइन कंटेंट्स टू आउटलेट, जो हमने शो कराया फिगर के अंदर, पहला आउटलेट ये वाला है, ठीक है, दूसरा आउटलेट ये वाला है। एक आउटलेट से हम लोग कहाँ भेज रहे हैं, स्टीम को कंडेंसर के अंदर भेज रहे हैं ताकि वो अपनी साइकिल को कंप्लीट कर सके। दूसरे साइकिल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम को भेज रहे हैं कहाँ पर, बाय प्रोसेस के लिए एंड बाय प्रोडक्ट पावर साइकिल के लिए, जहाँ पर इसका यूज हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं। लाइक इसके आगे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया, ये अपनी एनर्जी दे रहा है, यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया जो कि क्या कर रहा है, इस पर एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है। तो जो पेपर इंडस्ट्रीज हैं, जूट इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर बहुत एक्सेस के अंदर हम लोग पास आउट टर्बाइन्स का यूज करते हैं। तो इन सब टर्बाइन्स की एस्टैब्लिशमेंट जो होती है, वो एस्टैब्लिशमेंट डिपेंड करती है कि हमको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इनसे फाइंड आउट करनी है, कितनी है ना जो प्लांट की कैपेसिटी है, ठीक है, वो प्लांट की कैपेसिटी पे ये सारी की सारी कंडीशन डिपेंड करती है हमारी। तो आगे बढ़ते हैं। The extraction steam turbines contains the two outlets as shown in the figure. The first outlet extracts the steam with the intermediate pressure for the feeding of the heating process, while the second outlet extracts the remaining steam with low pressure steam for the condensation. The extraction of the heat from the first outlet can be stopped to generate the more output. Steam control valves at this outlet make this steam very flexible and allow adjusting the output as per the demand. ठीक है, वेयर जो हमारी जो बैक प्रेशर टर्बाइन थी वो हमारी डिमांड को मीट नहीं कर पा रही थी, यहाँ पर ये हमारी डिमांड को क्या करती है, मीट करती है। कि अगर वेरिएबल डिमांड है तो हम सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर ना डिमांड हमारी लो है तो हम सप्लाई को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ओके। और फिर उसके बाद की बची हुई स्टीम से हम क्या कर रहे हैं, हमारी टर्बाइन को और रेगुलेट करके क्या जनरेट कर रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ही रहे हैं।
ओके सो बेसिकली द कंडेंस वाटर देन गोज बैक टू द बॉयलर टू द रीजनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पावर देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनरेटिव स्टीम टर्बाइन. ठीक है, तो जो हमारी रीजनरेटिव स्टीम टर्बाइन थी उस रीजनरेटिव स्टीम टर्बाइन का ही हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, इस पास आउट टर्बाइन के अंदर यूज कर रहे हैं. So here are the some advantages and disadvantages of the pass out turbine. First one is the advantage. If we talk about the advantages, that this type of the steam turbine can be used to generate a high amount of electricity. It is a flexible turbine with the ability to regulate the output as per the changing needs. If we are talking about its disadvantages, so its disadvantages ki ye kya hai, thodi si costly turbine hai kyunki iske andar na auxiliary components zyada hote hain. Okay. Heat rejection in the condensation process reduce the overall efficiency of the system as compared to the back pressure turbine, and it is usually used in industrial level and requires a complex configuration. Just because कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर several structure एक साथ में use कर रहे हैं, तो इसकी configuration थोड़ी सी क्या हो जाती है, complex हो जाती है. उस complexity को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर remove कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड हमारे पास जो आती है वो होती है मिक्स प्रेशर टर्बाइन. इस मिक्स प्रेशर टर्बाइन का बेसिकली हम लोग यूज आजकल काफी एक्सेस में कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर बैक प्रेशर और मिक्स प्रेशर दोनों की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं. इफ एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ लो प्रेशर स्टीम इज अवेलेबल, इट इज सप्लाई टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द होल प्लांट बाय फिटिंग एन एग्जॉस्ट और लो प्रेशर टर्बाइन. ठीक है, हमारे पास जो टर्बाइन रहती है वो कैसी होती है, लो प्रेशर की टर्बाइन यूज होती है. द नेसेसरी ड्रॉप इन द प्रेशर मे बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ अ रिड्यूसिंग वाल्व और बाय द एक्सप्रेशन थ्रू द अनदर टर्बाइन. द हाई प्रेशर और लो प्रेशर टर्बाइन्स आर कॉम्बाइंड ऑन अ कॉमन स्पिंडल एंड बिकॉज ऑफ टू सप्लाई प्रेशर दिस कंबाइंड यूनिट इज नोन एज द मिक्स्ड प्रेशर टर्बाइन. ओके, सो यहां तक अभी हमारे पास एक मेन जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, बाय प्रोडक्ट साइकिल के बारे में, कि कैसे ये बाय प्रोडक्ट साइकिल्स जनरेट होते हैं. इसको अगर और अच्छे वे में देखना चाहें हम, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अभी जो हम लोग टर्बाइन की बात कर रहे थे वो टर्बाइन किस टाइप से है कि हमारे पास में एक बॉयलर मान लेते हैं. इस बॉयलर के थ्रू हम लोगों ने क्या करा, स्टीम टर्बाइन के अंदर भेज दी और इस टर्बाइन के अंदर भेज के हमने क्या करा, वर्क ऑब्टेन कर लिया. बट इससे पहले ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ वॉल्व जनरेट कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक वॉल्व लगाया कि एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टीम को हम लोग क्या कर सके, यहाँ से निकाल सके. और एक वॉल्व हमने यहाँ पर लगाया और यहाँ से हम लोग कहाँ भेज देते हैं, तो एक डी सुपर हीटर होता है, उस डी सुपर हीटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टीम को भेज देते हैं. फिर यहाँ से स्टीम को बाहर निकाल के कहाँ पर यूज किया जाता है, प्रोसेस साइकिल के लिए यूज किया जाता है. और जो हमारे पास यहाँ पर कंडेंस स्टीम आ रही है, ये कंडेंसर है और इसके साथ में इसको यहाँ पर मिक्स करके वापस से हमारी बॉयलर के अंदर हम लोग इसको भेज देते हैं, यहाँ पर स्प्रे कर देते हैं इसको. सो दिस इज वर्किंग लाइक अ डी सुपर हीटर. ये एक हमारा हीट एक्सचेंजर है. इस हीट एक्सचेंजर के अंदर अपोजिट साइड में क्या लगा होता है कि दूसरा हीट वैल्यू लगी होती है, जिसको हम लोग ये कहाँ यूज करते हैं, प्रोसेस वर्क के लिए. ये क्या है हमारा, प्रोसेस हीटर. दिस इज आवर प्रोसेस हीटर. ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो वाल्व है ना, इसमें इसका वाल्व का यूज जो होता है कब, सप्लाई के ऊपर. अगर हमारे पास डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो हम इस वाल्व को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं ताकि कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम इस टर्बाइन में जाने से पहले ही हम लोग कहाँ पर यूज कर लें, इस डी सुपर हीटर के अंदर यूज कर लें. डी सुपर हीटर क्यों लगाया हुआ है, व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग दिस डी सुपर हीटर. एनीवन हु कैन टेल, देखो हमारे पास जो स्टीम आती है वो कंडीशन के अंदर आती है, सुपर हीटेड कंडीशन के अंदर आती है. तो सुपर हीटेड कंडीशन के अंदर ये दूसरी सरफेस के साथ में कंटिन्यूअस हीट को एक्सचेंज कर सके वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो वो सुपर हीटेड स्टीम को वापस से हमें किसमें कन्वर्ट करना होता है, सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करना होता है. तो उस सुपर हीटेड स्टीम को हमको
स्ट्रक्चरेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस डी सुपर हीटर का यूज करते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस कि आपके पास जो प्रेशर का लेवल, प्रेशर लेवल में डिफरेंस है, वो प्रेशर लेवल का डिफरेंस कम किया जा सके, ताकि हमारे पास जो प्रोसेस हीट के लिए हम साइकिल्स के लिए एनर्जी दे रहे हैं वो हम लोग क्या कर सकें, मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बाइनरी वेपर साइकिल के बारे में। इन दैट साइकिल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। बाइनरी वेपर साइकिल, अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि सारा टर्बाइन के अंदर एक ही बॉयलर का यूज हो रहा था, वाटर लिया, वाटर को हीटअप करके जनरेट कर दिया। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी वेपर साइकिल, तो हम लोग क्या करेंगे, दो साइकिल्स का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर दो बॉयलर होंगे, एक बॉयलर होगा मर्करी के लिए, एक बॉयलर होगा वाटर के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि एचएस डायग्राम जो होता है वो सिर्फ स्टीम के लिए हम लोग देखते हैं, या फिर मॉयलर डायग्राम जो होता है वो सिर्फ स्टीम के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा है ना जो अदर मटेरियल्स होते हैं उनके लिए हम लोग एचएस डायग्राम नहीं देखते हैं? व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज कि जो हमको प्रॉपर्टीज मिलती हैं बॉयलर वाटर की, वो वाटर की प्रॉपर्टीज हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे एग्जिस्ट करती हैं, तो इस वजह से हम क्या कर पाते हैं उसको एचएस डायग्राम के अंदर, मॉयलर डायग्राम के अंदर देख पाते हैं, बाकी इस मर्क्यूरी वगैरह नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए हम टीएस डायग्राम से प्रोसीड करेंगे, और टीएस डायग्राम के थ्रू ही हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग है ना बात करेंगे बाइनरी वेपर साइकिल की, एंड उसके बाद जो लास्ट क्लास होगी उसके अंदर बात करेंगे कंडेंसर्स की, कि ये जो इतने सारे कंडेंसर्स लगाए हैं, ये कंडेंसर्स कौन कौन से होते हैं और कैसे वर्किंग करते हैं। ओके स्टूडेंट।